बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी। इसको हम भगार के बनाएंगे। इसके लिए हमने लिए 3 कप चावल और 1.5 प्याली मूंग की दाल। इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखिए, दाल और चावल हमारे भीग कर आधे घंटे बाद इस तरह के हो गए। अब हम इसको भगारेंगे। जो एशिया हमें चाहिए इसको भगाने के लिए, जीरा लिया है हमने 2 टीस्पून, 5-6 लाल मिर्चे लिए हमने जिनको हमने थोड़ा सा तोड़ लिया, 3-4 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का पीस है और आधा टीस्पून काली मिर्च है। इसको हम भगार में डालेंगे। 1 टमाटर लिया था हमने और 2 हरी मिर्चें, इनको हमने काट लिया, ये भी इसमें डालेंगे। 1.5 टीस्पून हमने नमक लिया। तेल डालते हैं 2-3 सर्विंग स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भगा के थोड़ा सा भूनेंगे, भगारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमारा गर्म हो गया। मिर्चों को थोड़ा सा कलर देना है हमें, हल्का सा मरून से कलर की हो जाएंगी तो फिर हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सर्विंग स्पून हमने तेल लिया था। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। मिर्चों का देखें कलर थोड़ा सा डार्क किया है हमने, जलाना भी नहीं है और ये रेड भी नहीं छोड़ना है। इनको रेड तो हमने डाली थी, थोड़ा सा कलर आ गया। इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर तक। थोड़ी देर में चिपकना बंद हो जाएंगे, यानी ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। फिर उस वक्त हम इसमें पानी डालेंगे। ये तकरीबन भुन गए, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें हमने डाला है 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हम इस तरह से अंदाज़ा करेंगे इसका कि ये चावल जो है ये 1 इंच ऊपर इसके पानी हो। देखें बिल्कुल हमारे चावल नीचे चिपके हुए नहीं। देखें ये तकरीबन 1 इंच है चावलों से ऊंचा पानी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक। नमक और मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से डालें। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसको जब इसमें 1 कनी रह जाएगी तो हम इसको दम पे लगाएंगे, लेकिन अभी ये पकेंगे। देखें इसमें जो बबल आ रहे हैं ना, इस वक्त हम इसको चलाएंगे नहीं। इसको अगर हमने चला दिया तो ये नीचे से इसका रास्ता ख़त्म हो जाएगा, यानी इस वक्त ये पेंदे से पानी इसका रास्ता है। और यहीं पर हम इसको दम पे लगाएंगे, पहले 5 मिनट के लिए और उसके बाद 3 मिनट के लिए। चूल्हा हल्का कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि कितने अच्छे बने। अभी हम इनको 5 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं। अब हम एक चटनी बनाते हैं जिसको हम सिल पे पीसेंगे। ये हमने 1 प्याली हरा धनिया ले लिया, 7-8 मिर्ची ले ली रेड वाली और आधा टीस्पून नमक का ले लिया और 5-6 हमने जवे ले ली लहसुन की। तो ये हम पीसेंगे अभी सिल पे। तो चलें बनाते हैं चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसको पीस लेंगे और फिर आखिर में धनिया डालेंगे। देखें
देखें अभी बहुत बारीक नहीं हुई है, इसी वक्त हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया को हमने धो लिया था और धनिया की डंडियां सिल पे नहीं पीसते हम लोग। देखें बारीक तो नहीं हुई लेकिन मोटी भी नहीं है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आपको सर्व करते हैं इसको। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब भी चावल बनाए तो जब ये इस तरह से सुराख आने लगे ना तो आप फौरन ही उसको दम पे लगा दें, पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए और फिर धीमी आंच पे 2-3 मिनट के लिए, और इसे दम पे ही रहने दें, ढके रहने दें, और उसके बाद 2 मिनट के बाद इसको खोल लें। क्या ज़बरदस्त खिचड़ी बनी है। तो चलें फिर बनाइए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे जिनकी तंदुरुस्ती सेहत और सलामती के साथ। आमीन। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।